स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग आपको पढ़ाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं। बच्चों आप मुझे बताइए कि कल हमने लास्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ाया था। एटॉमिक रेडियस बच्चों आपको पढ़ा दिया था, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ाया था। चेक कर लीजिए आप लोग कि नहीं पढ़ाया था। स्टूडेंट लास्ट टॉपिक कल क्या पढ़ाया था आपको, चेक करें अपने पास। आयोनाइजेशन एनर्जी ही पढ़ाया था बच्चों कल, याद करें आप लोग। ठीक है बेटा, तो आइए फिर आगे चलते हैं और आज आपको पढ़ाएंगे पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी को हम आईपी भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। आईपी ग्रेजुअली डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन विद इन ईच ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। अरे बच्चों आईपी की वैल्यू ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब जाने पर डिक्रीज हो जाती है, यानी बच्चों इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। बच्चों इसकी वजह यह है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडाई यानी एटम का साइज बढ़ता जाता है। बच्चों जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे आईपी की वैल्यू कम होती जाती है। लेकिन इसके बरक्स जब हम पीरियड में बच्चों लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आईपी की वैल्यू जनरली इंक्रीज होती है। आईपी की वैल्यू जनरली इंक्रीज होती है। स्टूडेंट्स आए मैं उनको ऐड कर लूं बच्चों, एक मिनट सॉरी। बच्चों दोबारा से देखिए, आईपी जनरली इंक्रीज अक्रॉस ईच पीरियड। बच्चों पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी की वैल्यू अमूमन बढ़ती जाती है। उसकी दो वजूहत है, क्योंकि बच्चों जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और बच्चों साथ साथ एटम का रेडियस भी कम होता है। मिसाल के तौर पर बच्चों देखिए इस चार्ट को, ये पीरियोडिक टेबल का व्यू है। बच्चों इस चार्ट के जरिए आप समझिए कि आईपी की वैल्यू जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब जाते हैं किसी भी ग्रुप में, तो बच्चों आईपी की वैल्यू देखिए ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रही है। जबकि बच्चों आईपी की वैल्यू लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है। ये देखिए आप, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यानी बच्चों जो ग्रुप का सॉरी जो पीरियड का पहला एलिमेंट होगा जैसे लिथियम, उसकी आईपी लोएस्ट होगी। बेरिलियम की जो सेकंड एलिमेंट है आईपी ज्यादा होगी लिथियम से, बोरोन की बेरिलियम से ज्यादा होगी, कार्बन की बोरोन से ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की कार्बन से ज्यादा होगी। यहां तक कि जब हम सबसे आखिरी एलिमेंट पर पहुंचेंगे ग्रुप एट में तो उन एलिमेंट्स की आईपी सबसे ज्यादा होगी। तो बच्चों ग्रुप एट में तमाम एलिमेंट्स की आईपी हाईएस्ट है और ग्रुप वन में तमाम एलिमेंट की आईपी लोएस्ट है अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में। इज इट क्लियर टू यू? जी स्टूडेंट्स समझ में आया आप लोगों के? स्टूडेंट्स तो फिर
अगला टॉपिक आपको पढ़ाते हैं बच्चों, आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा। अगले टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको बच्चों शॉर्ट में ईए कहेंगे। बच्चों एफिनिटी का मतलब होता है कशिश, एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई प्रोसेस है, लेकिन बच्चों ये प्रोसेस नहीं है बल्कि ये एनर्जी है। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी, लेकिन हमारी बुक में ये नाम नहीं दिया हुआ है। तो बच्चों आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन पोटेंशियल का उलट है, यानी आईपी का उलट या रिवर्स है ये। हाँ। बात समझ रहे हो? आईपी का उलट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बच्चों बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी है जो उस वक्त निकलती है जब हम किसी एटम में गैस फॉर्म में या एनायन में जो बार बार आप लोग जो है वो प्लीज आप लोग काइंडली वक्त पे ज्वाइन करें, डिस्टरबेंस होती है और लेक्चर जो है वो रुक जाता है। सॉरी स्टूडेंट्स, दोबारा से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी है जो उस वक्त निकलती है जब हम किसी एटम या आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। बच्चों जब हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए बच्चों इस डायग्राम से समझिए, इस डायग्राम से समझिए बच्चों। बच्चों ये एक एटम है ऑक्सीजन का। बच्चों ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कि मैं डाल रहा हूं ऑक्सीजन में। जो आप चेक करें ऑक्सीजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, 8 प्रोटॉन है, 8 ही इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में मैं ये लाल रंग का जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर से ऐड कर रहा हूं। तो बच्चों जब मैं ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में डालूंगा तो ऑक्सीजन अपना एनायन बना लेगी। क्या बना लेगी? एनायन बना लेगी। ओ जो है वो ओ नहीं रहेगा बल्कि ओ माइनस बन जाएगा। बच्चों इस अमल के दौरान एनर्जी निकलेगी, यानी जो साइन होगा डेल्टा एच का वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब है एनर्जी निकल रही है। बच्चों यूनिट इस एनर्जी का होता है किलो जूल पर मोल। यहां पे देखिए बच्चों दूसरी डायग्राम में फ्लोरीन के अंदर हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। बच्चों फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसके पास 9 प्रोटॉन है, 9 ही इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों जब हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो एनर्जी निकलेगी, इसकी वैल्यू है -333। माइनस का मतलब है कि ये जो एनर्जी है ये निकल रही है। तो बच्चों जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे किसी एटम में तो जो एनर्जी निकलेगी उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बच्चों जितनी ज्यादा ये एनर्जी निकलेगी उतना ही उस एटम में इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान ज्यादा होगा, यानी उतनी ही उस एटम में इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत होगी। इज इट क्लियर टू यू? तो आइए बच्चों आपको एक और तरीके से ये समझाते हैं, ठीक है जी? एक और तरीके से आपको ये समझाते हैं। आइए देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बच्चों देखिए गौर से बोर्ड के ऊपर और इसको समझिए गौर से। बच्चों फर्ज करें हम फ्लोरीन में
इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं बच्चों, फ्लोरीन में जब हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे बच्चों, फ्लोरीन के बाद बच्चों 9 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे बच्चों ताकि फ्लोरीन के पास अब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बच्चों जब हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे फ्लोरीन में, तो फ्लोरीन बच्चों अपने एनायन में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी एफ नेगेटिव में, और बच्चों इस फ्लोरीन को फिर कहेंगे फ्लोराइड। बच्चों इस अमल के दौरान जो एनर्जी निकलेगी उसको हम डेल्टा एच से जाहिर करेंगे। बच्चों डेल्टा एच का मतलब होता है एंथैल्पी चेंज। बच्चों एनायन फॉर्मेशन के दौरान जो एंथैल्पी चेंज होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव होगी, और उसकी वैल्यू है बच्चों ये आपको याद करनी पड़ेगी, हर एलिमेंट की अलग होगी, -333 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल बच्चों एनर्जी का यूनिट है। इसी तरह बच्चों अगर मैं ऑक्सीजन में, जैसे कभी मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था, एक इलेक्ट्रॉन डालूं ऑक्सीजन अपने एनायन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इस अमल के दौरान जो बच्चों एनर्जी निकलेगी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी, और इसकी वैल्यू बच्चों ऑक्सीजन के लिए 142। तो बच्चों बुनियादी तौर पर अब बिल्कुल क्लियर हो गई बात कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बुनियादी तौर पर बच्चों एनर्जी रिलीज है, the energy released। लेकिन बच्चों कुछ एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो एनर्जी निकलेगी नहीं बल्कि हमें देनी पड़ेगी। the energy released और कुछ एटम में एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तो the energy absorbed भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। the energy released और absorbed when an electron is added in gaseous atom or ion to give negative ion नेगेटिव आइन, और नेगेटिव आइन को क्या कहते हैं, एनायन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये बच्चों आप लोगों को डेफिनेशन फिर दोबारा से बता दी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमें बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं। जी स्टूडेंट्स, हमजा दोनों करनी है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। जी स्टूडेंट्स समझ में आ गया, तो अब बच्चों आगे आपको पढ़ाते हैं। बच्चों डेफिनेशन हो गई, अब बच्चों आपको पढ़ाएंगे पीरियोडिक वेरिएशन। बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, पीरियोडिक वेरिएशन बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बिल्कुल सेम है आईपी की तरह, यानी जो आईपी की पीरियोडिक वेरिएशन थी बिल्कुल वही पीरियोडिक वेरिएशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन विद इन ईच ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
डिक्रीज हो जाती है ऊपर से नीचे, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत कम होती जाती है, क्योंकि बच्चों ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस बढ़ने की बिना पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाती है। असल में बच्चों जितना एटम का साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी, और साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम होगी। आइए बच्चों पीरियोडिक ट्रेंड सुनिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज जनरली इंक्रीज अक्रॉस ईच पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों देखिएगा, अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करें, लेफ्ट टू राइट मूव करें, यानी फॉर एग्जांपल लिथियम से नियॉन की तरफ मूव करें या सोडियम से आर्गन की तरफ मूव करें, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। इसी वजह से बच्चों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 8 की होनी चाहिए। लेकिन बच्चों चूंकि ग्रुप 8 में नोबल गैसेस है और नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होती है, क्योंकि बच्चों ना वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहती हैं और ना ही देना चाहती हैं, इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों ग्रुप 7 के एलिमेंट्स की होगी। ग्रुप 7 बच्चों ये हैलोजेंस, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों इन एलिमेंट्स का न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? ये था बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये डायग्राम महफूज हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से बेटा। जी स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? तो बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ में आई आपके? तो बच्चों अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ा के कुछ रिवीजन कराऊंगा आपको। नहीं बेटा सहराम, ये कल के टेस्ट में नहीं आएगी बेटा। कल का टेस्ट तो पीरियोडिक टेबल का नहीं है ना, कल टेस्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो बच्चों लास्ट टॉपिक की हेडिंग लगा लें। और लास्ट टॉपिक का नाम है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बच्चों इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले हेडिंग लगा लें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी सबसे पहले बच्चों हेडिंग लगा लें इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। बच्चों हेडिंग लगा ली आप लोगों ने इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। बच्चों सबसे पहले इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का सिंबल सुनें। बच्चों इसको शॉर्ट फॉर्म में हम EN से जाहिर करते हैं, EN इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जो है वो एलिमेंट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि एक नंबर की सूरत में होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक नंबर है। इससे पहले जो बच्चों आपने आईपी पढ़ी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी, ये बकायदा क्वांटिटीज थी। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
एक क्वांटिटी तो है, लेकिन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका कोई यूनिट नहीं है। इनफैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक पावर है। तो आइए इसकी डेफिनेशन सुनिए। द रिलेटिव एबिलिटी और पावर ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, द रिलेटिव एबिलिटी और पावर ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बच्चों यहां पे कुछ प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं मालूम कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। बच्चों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन हम आपको अभी समझाएंगे ये थोड़ा सा। तो आप लोग बोर्ड पर देखिए, जी बच्चों आप लोग बोर्ड पर देखिए और यहां पे समझिए बेटा इसको। बच्चों एक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। इस मॉलिक्यूल का बच्चों नाम है हाइड्रोजन फ्लोराइड। यारे बच्चों हाइड्रोजन फ्लोराइड में, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है बच्चों ये एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है। यानी बच्चों हाइड्रोजन फ्लोराइड में कोवलेंट बॉन्ड होता है। बच्चों दो तरीके का बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। तो बच्चों देखिएगा गौर से किस तरीके से हाइड्रोजन और फ्लोराइड में कोवलेंट बॉन्ड होता है। बच्चों हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और बच्चों फ्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करती है। बच्चों शेयरिंग का मकसद ये होता है कि दोनों एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। लेकिन बच्चों हाइड्रोजन सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन अचीव कर सकती है। बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं इन्हें कहते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। बच्चों नॉर्मली बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ये दोनों एटम के लिए यकसा होता है, यानी दोनों एटम के इन शेयर्ड पेयर पर बराबर हक होता है। लेकिन बच्चों जिस एटम की इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की ताकत ज्यादा होती है वो इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच सकता है। बच्चों शेयर्ड पेयर को जाहिर करने के लिए हम एक लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ये लाइन बच्चों शेयर्ड पेयर को जाहिर करती है। तो बच्चों फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की ताकत ज्यादा है तो फ्लोरीन इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगी, जिसके नतीजे में इस पे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। बच्चों इस तरह का कोवलेंट बॉन्ड जिसमें चार्ज आ जाता है उसे कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बच्चों चूंकि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत डिफरेंट है, इसलिए बच्चों दोनों एटम्स जो हैं वो शेयर्ड पेयर को इक्वली नहीं खींच सकेंगे। तो बच्चों फ्लोरीन ने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि इसकी क्या ज्यादा थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी और हाइड्रोजन की क्या कम थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी। तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या बनी पावर टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, पावर टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, पावर टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ मॉलिक्यूल।
is called electronegativity. It's called electronegativity. बच्चों फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो बच्चों इसको जल्दी से कॉपी कर लें। अरे जी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आई बच्चों आपके? ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आगे चलते हैं और आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की और पॉइंट्स पढ़ाते हैं। बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दैट इज इट हैज नो यूनिट। बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता। जनरली स्मॉल साइज एटम्स एंड दोज विद नियरली फिल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। बच्चों वो एटम जिनका साइज छोटा होता है, और बच्चों वो एटम्स जिनका वैलेंस शेल मुकम्मल तौर पर तकरीबन भरा हुआ होता है, उन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। और बच्चों स्मॉल साइज नॉन मेटल्स का होता है, इसलिए बच्चों नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। स्टैंडर्ड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेडिंग है बच्चों। बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करी एक साइंसदान ने जिसका नाम था लिनस पॉलिंग। बच्चों लिनस पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक स्केल बनाया, उस स्केल में फ्लोरीन को स्टैंडर्ड के तौर पर लिया गया है। बच्चों फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है 4, जबकि बच्चों इस स्केल में सीजियम को लिया गया है और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों है वो सबसे लोएस्ट है, 0.7। तो बच्चों दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 से 4 के दरमियान होगी। बच्चों बाकी तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कंपेयर करके निकालते हैं। डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है? तो बच्चों वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो और जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लार्ज हो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है। सो हाई आईपी, हाई ईए का मतलब है हाई ईएन। बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, एटॉमिक रेडियस और न्यूक्लियर चार्ज। बच्चों एटॉमिक रेडियस के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इनवर्स रिलेशन है, और बच्चों न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। यानी बच्चों जितना एटम बड़े साइज का होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी, और बच्चों न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। प्यारे बच्चों पीरियोडिक वेरिएशन पढ़ा रहे हैं। बच्चों पीरियोडिक वेरिएशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बिल्कुल सेम है आईपी और ईए की तरह, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ग्रुप में ऊपर से नीचे डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ग्रुप में ऊपर से नीचे डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर एटम का रेडियस बढ़ता जाता है। इसके बरक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज अलोंग ईच पीरियड। बच्चों पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती जाती है। इसकी वजह लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा है। मिसाल के तौर पर बच्चों इस चार्ट में आप देखिए, इस चार्ट से मैंने आपको समझाया, ये पीरियोडिक टेबल बनाया है। बच्चों पीरियोडिक टेबल में जब हम मूव करते हैं ऊपर से नीचे पीरियड, ऊपर से नीचे ग्रुप में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों डिक्रीज हो जाती है। मसलन बच्चों देखिए,
लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, सोडियम की 0.9 है, पोटेशियम की 0.8 है, रुबिडियम की भी वही है और सीजियम की 0.7 है। बच्चों ये मेटल्स हैं, मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इसके बारे में बच्चों ग्रुप 7 में देखिए, फ्लोरीन की 4 है, क्लोरीन की 3 है, ब्रोमीन की 2.8 है, आयोडीन की 2.5 है, एस्टाडीन की 2.1 है। ऊपर से नीचे आईपी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बच्चों क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन लेफ्ट टू राइट बच्चों देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जो है वो बढ़ रही है। चेक करें, देखिए चेक करें, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है पीरियड में, लेकिन ग्रुप में ऊपर से नीचे कम हो जाती है। इज इट क्लियर? और बच्चों आखिरी पॉइंट सुन लीजिए, आखिरी हेडिंग सुन लीजिए और यहीं पे ये चैप्टर खत्म होगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की 3 इंपॉर्टेंस है। बच्चों पहली इंपॉर्टेंस ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू से हमें एलिमेंट की नेचर पता चल जाती है। अरे बच्चों प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स नेचर हम कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू की बुनियाद पर। बच्चों अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो तो वो एलिमेंट बच्चों यूजुअली मेटल होता है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो तो वो एलिमेंट नॉन मेटल होता है। जो दूसरी बात, प्रिडिक्शन ऑफ बॉन्ड्स नेचर, प्रिडिक्शन ऑफ बॉन्ड्स नेचर। बच्चों अगला चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। तो बच्चों हमें ये पहले से पता चल जाता है या पता चल सकता है कि बनने वाला बॉन्ड कैसा होगा। बच्चों दो तरीके का बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। बच्चों अगर हमें ये पता चलाना हो कि बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड कैसा है, तो बच्चों आइए बोर्ड पे दिखाता हूँ आपको। अगर हमें ये पता चलाना है कि बॉन्ड कैसा है, तो हमें दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालना पड़ता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो तो बच्चों आयोनिक बॉन्ड बनेगा, और बच्चों अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यानी डेल्टा ई एन अगर 1.7 से कम हो तो बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। मिसाल के तौर पर बच्चों आइए आपको सोडियम क्लोराइड में बताते हैं कि क्या सूरत हाल है। बच्चों क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है। तो बच्चों अगर मैं डेल्टा ई एन निकालूं तो कैसे निकालूंगा, 3 - 0.9, तो मेरा आंसर आया 2.1। बच्चों 2.1 जो है वो 1.7 से ज्यादा है, इसलिए NaCl में कैसा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। आइए देखते हैं वाटर में कैसा बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। बच्चों ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हमें कुछ एलिमेंट्स की याद करनी पड़ेंगी। बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की 3.5 है, -2.1, तो बच्चों डिफरेंस आया 1.4 का। बच्चों 1.4 1.7 से कम है, इसलिए बच्चों वाटर में कोवलेंट बॉन्ड होगा। देखा आपने बच्चों, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बुनियाद पर हम ये डिसाइड करेंगे कि बनने वाला बॉन्ड कोवलेंट होगा या आयोनिक होगा। अब बच्चों आखिरी पॉइंट सुने, ये पॉइंट बच्चों, ये पॉइंट आपको बच्चों समझ में आएगा जब आप अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे यानी केमिकल बॉन्डिंग। और बच्चों इसका नाम है पॉइंट का, प्रिडिक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पोलैरिटी और आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। बच्चों ये बात आपको समझ में आएगी जब आप कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू की बुनियाद पर
हम ये बता सकते हैं कि पोलैरिटी की स्ट्रेंथ क्या है। पोलैरिटी क्या होती है बच्चों, ये हम आपको इंशाल्लाह अगली दो तीन क्लासों में बताएंगे। तो बच्चों यहीं पर हमारा ये चैप्टर जो है वो वाइंड अप हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज का लेक्चर। बच्चों एनी क्वेश्चन प्लीज, एनी क्वेश्चन बच्चों, एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क। स्टूडेंट्स यहीं पे क्लास खत्म करते हैं, कल इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा। अल्लाह हाफिज़।